स्टार्ट कर दूँ। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है आपका। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है किडनी। आज हम किडनी का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि किडनी हमारे पास होती है एब्डोमिनल रीजन में। कहाँ होती है? एब्डोमिनल रीजन में, ठीक है। पोस्टीरियर साइड यानी कि पीछे वाली साइड पे होती है हमारे पास किडनी। आगे वाली साइड पे नहीं होती है, पीछे वाली साइड पे होती है, ठीक है। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच होती है, यानी कि आगे से जो हमारी एब्डोमिनल वॉल है वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, ठीक है। लेकिन पीछे से जो हमारी एब्डोमिनल वॉल है वो है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो किडनी आपको पीछे की साइड पे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर मिलती है, क्लियर है। दोनों साइड पे होती है, राइट साइड पे भी होती है और लेफ्ट साइड पे भी होती है। जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट। लेफ्ट थोड़ी सी ऊपर होती है, राइट थोड़ी सी नीचे होती है। वजह क्या है? राइट साइड पे हमारे पास लिवर होता है। क्या होता है? लिवर। और ये लिवर जो है वो हमारी राइट किडनी को थोड़ा सा नीचे प्रेस कर देता है, क्लियर है। राइट साइड में हमारे पास लिवर होता है, ये लिवर थोड़ा सा किडनी को थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस कर देता है। तो राइट किडनी आपको थोड़ी सी नीचे मिलेगी और लेफ्ट किडनी आपको थोड़ी सी ऊपर मिलेगी। तो किडनी है बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, पोस्टीरियर यानी कि डॉर्सल साइड पे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच होती है, क्लियर है। अच्छा, अब हम किडनी का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास लंग्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, कहलाती है प्लूरा, ठीक है। हार्ट के ऊपर वैसी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, वो कहलाती है हमारे पास पेरिकार्डियम। इसी तरीके से एब्डोमिनल ऑर्गन, जितने भी तमाम एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि कहलाती है पेरिटोनियम। क्या कहलाती है? पेरिटोनियम। एब्डोमिनल ऑर्गन्स के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग कहलाती है पेरिटोनियम। क्या कहलाती है? पेरिटोनियम। लंग्स को कवर किया हुआ है प्लूरा ने, हार्ट को कवर किया है पेरिकार्डियम ने। इसी किसी एब्डोमिनल ऑर्गन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग कहलाती है पेरिटोनियम। क्या कहलाती है? पेरिटोनियम कहलाती है, ठीक है। जब हम किडनी को कट करेंगे लॉन्गिट्यूडनली, जैसे ये किडनी है ना, ये किडनी है, हम किडनी को बीच से कट करेंगे तो किडनी खुल जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास किडनी के दो रीजन्स होते हैं, एक होता है बाहर वाला रीजन, एक किडनी का बाहर वाला रीजन है और एक अंदर वाला रीजन, ऐसे ही है, ठीक है। किडनी किडनी बेसिकली एक अंदर वाला हिस्सा होता है और एक बाहर वाला हिस्सा होता है। बाहर वाला हिस्सा कहलाता है हमारे पास कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स, ठीक है। और अंदर वाला रीजन कहलाता है मेड्यूला, मेड्यूला, ठीक है। ये किडनी को आप काटो बीच से, दो हिस्से में खुल जाएगी, ठीक है, खुल जाएगी तो आपको दो हिस्से नजर आएंगे, अंदर वाला हिस्सा मेड्यूला, बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स, ठीक है। अंदर की तरफ जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? मेड्यूला। और बाहर की तरफ हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स कहलाएगा। कॉर्टेक्स डार्क होता है। क्या होता है? डार्क, ठीक है। और मेड्यूला लाइट होता है। कॉर्टेक्स डार्क होगा और मेड्यूला कैसा है? लाइट है, क्लियर है। अच्छा, अब हमारे पास ये मैं मिटा रही हूं, मेड्यूला के अंदर छोटे छोटे ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। मेड्यूला के अंदर छोटे छोटे ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं पायरामिड्स। क्या कहलाते हैं? पायरामिड्स कहलाते हैं, ठीक है। अंदर हमारे पास मेड्यूला के अंदर कोन शेप्ड ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? पायरामिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पायरामिड्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन पायरामिड्स पे हमारे पास नेफ्रॉन्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? नेफ्रॉन्स। हमारे पास जैसे हमारे पास ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर जो सेल्स काम करें उनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। हार्ट के अंदर जो सेल्स काम करें उन्हें हम मायोकार्डियल सेल्स कहते हैं,
बिल्कुल, इससे कि किडनी के अंदर जो सेल्स काम कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स। ठीक है, किडनी के अंदर जो सेल्स काम कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स कहते हैं। क्लियर है बच्चों? ये मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना रही हूं। ये बेसिक आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ, डिटेली स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये पायरामिड है, ये पायरामिड है और इसके साथ ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स होते हैं। ये वाला पार्ट्स क्या आता है हमारे पास? बोमेंस कैप्सूल। क्या होता है ये? बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, ये हमारे पास होती है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ये हमारे पास क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ये हमारे पास है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये हमारे पास है डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ये हमारे पास है कलेक्टिंग डक्ट। तो आप लोग देख रहे हो ये नेफ्रॉन किडनी के अंदर जो सेल्स काम कर रहे हैं उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्लियर है? देख रहे हो, नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में होगा और कुछ हिस्सा कहाँ होगा? मेड्यूला के अंदर। कहाँ होगा बच्चों? मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, नेफ्रॉन भी हमारी पूरी अलग क्लास है, डोंट वरी फॉर इट। ठीक है, आप सिर्फ ये देखो कि नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा आपको कॉर्टेक्स में मिलेगा, कुछ हिस्सा कहाँ मिलेगा? मेड्यूला के अंदर मिलेगा। समझ आ रही है बच्चों? नेफ्रॉन का थोड़ा सा पार्ट आपको कॉर्टेक्स में मिलेगा, नेफ्रॉन का थोड़ा सा पार्ट आपको कॉर्टेक्स में मिलेगा और बाकी पार्ट कहाँ मिलेगा? मेड्यूला में मिलेगा। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब यूरिन नेफ्रॉन में बनेगा। यूरिन कहाँ बनेगा? नेफ्रॉन में बनेगा। सिंपल, जो किडनी के अंदर जो सेल्स काम करे उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। तो यूरिन कौन बना रहे हैं? बेसिकली नेफ्रॉन्स बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? नेफ्रॉन्स बना रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास है नेफ्रॉन्स। देखो, नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा आपके पास कॉर्टेक्स में आ रहा है, कुछ हिस्सा कहाँ आ रहा है? मेड्यूला के अंदर आ रहा है। ठीक है, नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा आपके पास कॉर्टेक्स में आ रहा है और कुछ हिस्सा कहाँ आ रहा है? मेड्यूला के अंदर आ रहा है। तो ये जो यूरिन है जो नेफ्रॉन से आ रहा है, जो यूरिन आपके पास नेफ्रॉन से आ रहा है ना बेटा, एरोज में देखना, ये यूरिन आपके पास नेफ्रॉन से आ रहा है, नेफ्रॉन से आपके पास यूरिन आ रहा है। ठीक है, ये जिन नालियों में आ रहा है, ठीक है, यूरिन नेफ्रॉन से जिन नालियों के अंदर आ रहा है इन्हें हम कहते हैं माइनर कैलेसिस। क्या कहते हैं? माइनर कैलेसिस। माइनर कैलेसिस। यूरिन से नेफ्रॉन जिन नालियों में आ रहा है इन्हें हम क्या कहते हैं? माइनर कैलेसिस। क्या कहते हैं बच्चों? माइनर कैलेसिस कहते हैं। और ये माइनर कैलेसिस किसमें कन्वर्ट होती है? मेजर कैलेसिस। किसमें कन्वर्ट होती है? मेजर कैलेसिस में कन्वर्ट होती है। ठीक है बच्चों, हमारे पास नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में है, कुछ हिस्सा मेड्यूला के अंदर है। ठीक है, नेफ्रॉन से यूरिन जिन वेसल्स में, जिन डक्ट्स में आ रहा है, जिन नालियों में आ रहा है उन्हें हम कहते हैं माइनर कैलेसिस। क्या कहते हैं? माइनर कैलेसिस। और माइनर कैलेसिस से क्या बनती है? मेजर कैलेसिस। क्या बनती है? मेजर कैलेसिस बनती है। समझ आ रही है बात? ये मैं थोड़ा मिटा रही हूँ। यूरिन से माइनर कैलेसिस और माइनर कैलेसिस से मेजर कैलेसिस। और ये हिस्सा हमारे पास कहलाता है, ये वाला जो एरिया है, फनल शेप्ड एरिया आपको नजर आ रहा है, फनल, फनल,
जो ऐसे होता है ना, ऐसे फनल शेप एरिया है, ये पेल्विस कहलाता है. क्या कहलाता है? पेल्विस. यानी कि नेफ्रॉन से आपका यूरिन आएगा माइनर कैलेसिस, माइनर कैलेसिस से मेजर कैलेसिस, और मेजर कैलेसिस से आएगा वो हमारे पास पेल्विस के अंदर. कहाँ आएगा? पेल्विस के अंदर. ये एरिया पेल्विस है. ये पूरा एरिया क्या है हमारे पास? ये पूरा एरिया क्या है? पेल्विस. और पेल्विस से यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप कहाँ आ रहा है? बेसिकली यूरिटर में आ रहा है. इतना बड़ा मैंने बनाया, इतनी बड़ी किडनी होती नहीं है. ठीक है, तो आपके पास किडनी से यूरिन आया माइनर कैलेसिस, माइनर से मेजर कैलेसिस, और मेजर कैलेसिस से इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? इस हिस्से को हम कहते हैं पेल्विस. क्या कहते हैं? पेल्विस कहते हैं, पेल्विस कहते हैं. और पेल्विस से ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन जो है वो कहाँ एंटर हो रहा है? यूरिटर में एंटर हो रहा है. कहाँ एंटर हो रहा है? यूरिटर में एंटर हो रहा है. समझ आ रही है बातें? किडनी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, पेरिटोनियम. किडनी के दो पार्ट है, बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स, अंदर वाला हिस्सा मेड्यूला. किडनी के अंदर काम करने वाले सेल्स को नेफ्रॉन कहते हैं. नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में होता है, कुछ हिस्सा मेड्यूला में होता है. नेफ्रॉन यूरिन बनाएगा. ठीक है, वो यूरिन नेफ्रॉन से एंटर होगा माइनर कैलेसिस, माइनर से मेजर कैलेसिस, और मेजर कैलेसिस से वो कहाँ पे एंटर होगा? पेल्विस के अंदर. और पेल्विस से ड्रॉप बाय ड्रॉप ये यूरिन कहाँ जाएगा? यूरिटर में. और यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर. समझ आ रही बेटा? अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है? ये हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा देखो, ये किडनी है, ये किडनी है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जहां से जो किडनी का दरवाजा है बेसिकली, जहां से रीनल आर्टरी अंदर जा रही है, रीनल वेन बाहर आ रही है, यूरिटर बाहर आ रहा है, ये दरवाजा हमारे पास कहलाता है हाइलम. क्या कहलाता है? हाइलम. हाइलम क्या कहलाता है बच्चों? हाइलम कहलाता है. ठीक है, किडनी का दरवाजा, किडनी का वो दरवाजा, किडनी की वो जगह जहां से कोई भी चीज अंदर बाहर हो रही है, यानी कि रीनल आर्टरी अंदर जा रही है, रीनल वेन बाहर आ रही है, यूरिटर बाहर आ रहा है, ये हिस्सा हमारे पास कहलाता है हाइलम. क्या कहलाता है? हाइलम. जैसे हमारे कमरे का दरवाजा डोर कहलाएगा, इधर जैसे किडनी का दरवाजा क्या कहलाएगा? हाइलम. यानी कि हाइलम ये वो जगह है बेसिकली जहां से रीनल आर्टरी अंदर जाएगी, रीनल वेन बाहर आएगी, यूरिटर बाहर आएगा, ये एरिया हमारे पास कहलाता है हाइलम. क्या कहलाता है? हाइलम. हाइलम, HILUM, हाइलम कहलाएगा. क्लियर है बच्चों? अब हम थोड़ी सी कुछ और बातें कर लेते हैं. ये एओटा है, ये एओटा है, एओटा से रीनल आर्टरी आ रही है. एओटा से क्या आ रही है बच्चों? रीनल आर्टरी. क्या आ रही है? रीनल आर्टरी. ये एओटा है, हार्ट, हार्ट से बनी एओटा. एओटा जब एओटा को जब जब हमारे पास रीनल, जब हमारे पास किडनी को ब्लड चाहिए, तो एओटा दो ब्रांचेस में टूटी है, राइट रीनल आर्टरी और लेफ्ट रीनल आर्टरी. ठीक है, हार्ट से ब्लड आएगा एओटा, एओटा से ब्लड आएगा रीनल आर्टरी, और रीनल आर्टरी से कहाँ आएगा? किडनी में आएगा. ठीक है, तो बेसिकली एओटा है, और ये क्या है हमारे पास? रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी है. क्लियर है? अच्छा, अब रीनल आर्टरी बहुत सारी ब्रांचेस में टूटती है, देख रहे हो? रीनल आर्टरी बहुत सारी ब्रांचेस में टूटती है. इस ब्रांच में टूटी, इस ब्रांच में टूटी, इस ब्रांच में टूटी. ठीक है, ये ब्रांचेस कहलाती है सेगमेंटल आर्टरीज. क्या कहलाती है? सेगमेंटल आर्टरीज. ठीक है, एओटा से कौन सी ब्रांच निकली? रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी अंदर जाके बहुत सारी ब्रांचेस में टूटी, ये ब्रांचेस कहलाती है सेगमेंटल आर्टरी. क्या कहलाती है? सेगमेंटल आर्टरी. ठीक है, सेगमेंटल आर्टरी मजीद छोटी छोटी ब्रांचेस में टूटती है, मजीद छोटी छोटी ब्रांचेस में टूटेगी.
सेगमेंटल आर्टरी मजीद छोटी 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 ब्रांचेस में टूटेगी और ये ब्रांचेस कहलाएंगी लोबार आर्टरीज। क्या कहलाएंगी? लोबार आर्टरीज। मेरे ख्याल आपको रेड से नजर नहीं आ रहा तो मैं ग्रीन मार्कर यूज कर रही हूँ, ठीक है। एओटा, एओटा से रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी ब्रांचेस में टूटी, ये ब्रांचेस कहलाई सेगमेंटल आर्टरीज। क्या कहलाई? सेगमेंटल आर्टरीज। सेगमेंटल आर्टरीज मजीद छोटी ब्रांचेस में टूटी, ये ब्रांचेस कहलाई लोबार आर्टरीज। क्या कहलाई? लोबार आर्टरीज। अरे लोबार आर्टरीज कॉर्टेक्स में आएंगी, ये लोबार आर्टरीज कहाँ आएंगी? कॉर्टेक्स में आएंगी और ये फिर कहलाएगी कॉर्टिकल आर्टरीज। क्या कहलाएंगी? कॉर्टिकल आर्टरीज। और कॉर्टिकल आर्टरीज फिर बेसिकली नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करेगी। कितने मजे का सिस्टम है, हार्ट से ब्लड आएगा एओटा, एओटा से निकलेगी हमारे पास रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी किडनी में जाके टूटेगी ब्रांचेस में, उन ब्रांचेस को हम कहते हैं सेगमेंटल आर्टरीज। क्या कहते हैं? सेगमेंटल आर्टरीज कहते हैं। सेगमेंटल आर्टरीज मजीद छोटी ब्रांचेस में टूटी, जिन्हें हमने कहा है लोबार आर्टरीज। क्या कहा है बच्चों? लोबार आर्टरीज। लोबार आर्टरीज कॉर्टेक्स में गई और मजीद छोटी छोटी ब्रांचेस में टूटी, वो ब्रांचेस क्या कहलाई? कॉर्टिकल आर्टरीज। क्या कहलाई? कॉर्टिकल आर्टरीज। और कॉर्टिकल आर्टरीज ने फाइनली किसको सप्लाई किया? नेफ्रॉन्स को। किसको सप्लाई किया? नेफ्रॉन्स को सप्लाई किया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, क्लियर है बच्चों, समझ आई? इस तरीके से अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आएगा? नेफ्रॉन से कौन सी ब्रांचेस निकलेंगी? कॉर्टिकल वेन्स। क्या निकलेंगी? कॉर्टिकल वेन्स। कॉर्टिकल वेन्स क्या बनाएगी? लोबार वेन्स। लोबार वेन क्या बनाएगी? सेगमेंटल वेन्स। सेगमेंटल वेन्स क्या बनाएगी? रीनल वेन। रीनल वेन कहाँ खुलेगी? इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा कहाँ खुलेगी? हार्ट। क्लियर है बच्चों? हार्ट से ब्लड आया एओटा, एओटा से रीनल आर्टरी, किडनी में जाके रीनल आर्टरी टूटी सेगमेंटल आर्टरीज। सेगमेंटल मजीद छोटी छोटी लोबार आर्टरीज। लोबार आर्टरीज फाइनली टूटी कॉर्टिकल आर्टरीज और कॉर्टिकल आर्टरीज ने किसको सप्लाई किया? किडनी को ऑक्सीजनेटेड, कॉर्टिकल आर्टरीज ने नेफ्रॉन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर दिया। समझ आया बच्चों? अब नेफ्रॉन्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आएगा? कॉर्टिकल वेन, कॉर्टिकल वेन से लोबार वेन, लोबार वेन से सेगमेंटल वेन, सेगमेंटल वेन से रीनल वेन, रीनल वेन से इंटीरियर वेना केवा, इंटीरियर वेना केवा से हार्ट। क्लियर है बच्चों? कोई पॉइंट रह गया किडनी में? हमने सब डिस्कस कर लिया किडनी के अंदर। अच्छा, दोनों किडनीज में हमारे पास तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर है, किडनी बेसिकली हमारे पास पीछे वाली साइड पे डॉर्सल साइड पे होती है, राइट किडनी लेफ्ट किडनी दोनों बीम शेप यानी कि किडनी की, दोनों बीम शेप यानी कि लोबिया की शेप की होती है। क्लियर है? किडनी के अंदर दो हिस्से होते हैं, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेड्यूला। मेड्यूला के अंदर ये छोटे छोटे ब्लू कलर के ट्रायंगल्स बने हुए, ट्रायंगल्स कहलाते हैं पायरामिड्स। क्या कहलाते हैं? पायरामिड्स कहलाते हैं। किडनी का ये वाला हिस्सा जो दरवाजा है बेसिकली, जहाँ से जैसे यूरेटर बाहर आ रहा है, जैसे रीनल आर्टरी अंदर जा रही है, रीनल वेन बाहर आ रही है, ठीक है, ये वाला हिस्सा कहलाता है हाइलम या हाइलस। क्या कहलाता है? हाइलम या हाइलस कहलाता है। क्लियर है? हमारे पास किडनी के अंदर जो काम करने वाले सेल्स हैं उन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन्स यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। कुछ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा ऊपर की साइड पे यानी कि कॉर्टेक्स की साइड पे होता है और कुछ हिस्सा मेड्यूला की साइड पे होता है। नेफ्रॉन जो यूरिन बनेगा ये आएगा माइनर कैलिसिस। कहाँ आएगा? माइनर कैलिसिस। माइनर कैलिसिस से आएगा मेजर कैलिसिस और मेजर कैलिसिस से यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप आएगा पेल्विस, ठीक है, और पेल्विस से ये ड्रॉप बाय ड्रॉप कहाँ खुलेगा? यूरिटर के अंदर खुलेगा। किडनी के अंदर ब्लड आता है रीनल आर्टरी और किडनी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है वो रीनल वेन से जाता है। रीनल आर्टरी किसकी ब्रांच है? एओटा की ब्रांच है। रीनल वेन कहाँ खुलेगी? इंफीरियर वेना केवा के अंदर खुलेगी। जो क्वेश्चन आपको नहीं क्लियर है, किडनी में नहीं समझ आया, आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे आराम से पूछ सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के फंक्शन सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है।